सदन को भगवाकरण करने नहीं दिया जाएगा। अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है और ये जो राष्ट्रीय गान ये तो है नहीं, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है, इस वजह से मैं खड़ा नहीं हूँ। क्यों खड़े नहीं हुए? इसलिए कि राष्ट्रीय गान हुआ उसको माना नहीं गया। और आज नई परिपाटी नई परंपरा शुरुआत करने की साजिश हो रही है बिहार विधानसभा से, तो बिहार की जनता कबूल नहीं करेगी। आपत्ति ये है कि भाई राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान का परिभाषा दीजिए ना आप। अब तक भारतीय परंपरा में और बाध्यता में क्या था? राष्ट्र गीत का हम सम्मान करते हैं। गान और राष्ट्र गीत की परिभाषा पहले परिभाषित तो अब तक जनगण मन अधिनायक जय है हम लोग गाते हैं। और आज नई परिपाटी नई परंपरा शुरुआत करने की साजिश हो रही है बिहार विधानसभा से, तो बिहार की जनता कबूल नहीं करेगी। ना हम लोग खड़े नहीं हुए, हम लोग कहते तो खड़े नहीं हुए। आपत्ति ये है कि भाई राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान का परिभाषा दीजिए ना आप। अब तक भारतीय परंपरा में और बाध्यता में क्या था? राष्ट्र गीत का हम सम्मान करते हैं। बिल्कुल सदन के अंदर आरजेडी के सदन को भगवाकरण करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल राष्ट्रगीत भगवाकरण है। अरे यार क्या कह, राष्ट्रगीत हम जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता गाते हैं गाते रहे हैं, लेकिन वक्त वक्त पर अपना एजेंडा आप लागू कीजिए। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान से भगवाकरण होगा सदन। बिल्कुल वो भगवाकरण का गाना, तो मुख्यमंत्री भी खड़े हुए तो भी भगवाकरण के पीछे, भगवाकरण के गोद में बैठ के वो खेल रहे हैं तो है ही है भगवाकरण। आरजेडी भी खड़ी हुई थी तो वो भी भगवाकरण के गोद में है। की समझदारी उस पर हम नहीं कहेंगे। नहीं नहीं आप बोल रहे हैं वो बताइए। आप सुनिए, आप क्वेश्चन मैंने सवाल करते हैं ठीक, आप कटघरे में हमको खड़ा मिले नहीं कटघरे। आरजेडी खड़ी हुई थी ना, कांग्रेस के आरजेडी खड़ी हुई थी वो भाग की समझदारी है। हम इसको विरोध दर्ज करते हैं कि वंदे मातरम ठीक है, इसका जवाब नहीं, मतलब आप जो बंदे तमाम लोग मुख्यमंत्री नेता, क्योंकि अभी हमारा देश सेकुलर मुल्क है, अभी कोई हिंदू राष्ट्र हुआ नहीं है और ये जो राष्ट्रीय गान ये तो है नहीं, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है, इस वजह से मैं खड़ा नहीं हुआ। देखिए आप खड़े नहीं हुए थे, क्यों खड़े नहीं हुए? इसलिए कि राष्ट्रीय गान हुआ उसको माना नहीं गया। क्यों क्यों नहीं? शुरू से थे, शुरू से जनगण मन अधिनायक राष्ट्रीय क्या परहेज है आपको? एक बार खाली बता दीजिए क्या परहेज है, बता दीजिए फिर चले जाएगा। क्या परहेज है? क्यों नहीं गाना चाहते राष्ट्रीय? क्योंकि अभी हमारा ये मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ।